गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, आई एम राहुल सर एंड वेलकम टू आर के इंग्लिश क्लासेज। टुडे आई एम गोइंग टू टीच यू 100 मार्क्स इंग्लिश ऑफ क्लास 12th। आई होप यू ऑल आर वेल। सो आई एम गोइंग टू टीच 6th चैप्टर ऑफ क्वेश्चन आंसर द सोल्जर। डियर स्टूडेंट, ये रेनबो पार्ट 2 से लिया गया है, पोएट्री सेक्शन है। सबसे पहले हम लोग चारों क्वेश्चन को एक बार देख लेते हैं। तो ये रहा आपका चारों क्वेश्चन। अब मैं वन बाय वन क्वेश्चन आप लोगों को बताने जा रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 1, इज द स्पीकर इन द सोल्जर एफ्रेड ऑफ डेथ? क्या वक्ता को मृत्यु का भय है? आंसर होगा नो, द स्पीकर इज नॉट एफ्रेड ऑफ द डेथ। द ऑथर इज अ सोल्जर हु एक्सप्रेस हिज विशेस डैट इफ ही डाइड इन फॉरेन फील्ड ड्यूरिंग फाइटिंग विथ इनेमी हिज बॉडी मस्ट बी ब्यूरिड इन डैट फॉरेन फील्ड एंड बिकॉज डैट फील्ड विल बिलोंग टू इंग्लैंड बिकॉज इंग्लैंड्स ब्रेव आर्मीज विल कंक्वेर इट वन डे। नहीं, वक्ता मृत्यु से डरता नहीं है। लेखक एक सैनिक है जो अपनी इच्छाओं को व्यक्त करता है कि अगर वह दुश्मन से लड़ने के दौरान विदेशी जमीन में मर जाए तो उसके शरीर को उसी विदेशी जमीन में दफनाया जाना चाहिए क्योंकि वो जमीन इंग्लैंड की हो जाएगी, क्योंकि इंग्लिश बहादुर सिपाही एक दिन उस पे कब्जा कर लेगा। क्वेश्चन नंबर 2, इफ एट ऑल ही डाइज इन द बैटल हाउ वुड ही लाइक टू बी रिमेम्बर्ड? यदि वह लड़ाई में मारा जाता है तो वह कैसे चाहता है कि उसे याद रखा जाए? आंसर होगा इफ द ऑथर डाइड इन द बैटल ही वुड लाइक टू बी रिमेम्बर्ड एज अ ब्रेव हीरो हु हैड फिनिश्ड हिज लाइफ फॉर द सेक ऑफ देयर मदरलैंड। अगर लेखक युद्ध में मर जाए तो वह एक बहादुर नायक के रूप में याद रखवाना चाहेगा जिन्होंने अपनी मातृभूमि के लिए अपना जीवन समाप्त कर लिया था। क्वेश्चन नंबर 3, हाउ कैन सम कॉर्नर ऑफ ए फॉरेन फील्ड बी फॉर एवर इंग्लैंड? किसी विदेशी जमीन सदा इंग्लैंड का कैसे हो सकता है? आंसर होगा इफ द सोल्जर ऑफ इंग्लैंड डाइज इन सम कॉर्नर ऑफ ए फॉरेन फील्ड ड्यूरिंग फाइटिंग, अगर इंग्लैंड के सैनिक युद्ध के दौरान किसी विदेशी जमीन के कोने में मर जाते हैं, इंग्लैंड विल कंसीडर डेट लैंड हर, यानी इंग्लैंड उस जमीन को अपना समझेगा, बिकॉज वन ऑफ द सोल्जर ऑफ इंग्लैंड इज ब्यूरिड इन डेट लैंड, इंग्लैंड ब्रेव आर्मीज विल कॉन्क्वेर इट वन डे, क्योंकि इंग्लैंड के एक सैनिक उसको यानी उस देश में दफनाया गया है और इंग्लिश बहादुर सिपाही एक दिन उस पर कब्जा कर लेगा। क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट इज मीन्ट बाई द फ्रेज ए पल्स इन द इटर्नल माइंड? ए पल्स इन द इटर्नल माइंड से क्या अभिप्राय है? आंसर होगा द फ्रेज ए पल्स इन द इटर्नल माइंड रेफर टू ए हैप्पी मेमोरी ऑफ ऑथर इन इंग्लैंड लाइक स्पेंडिंग गुड टाइम विथ किनफॉल्क, लाफ्टर विथ फ्रेंड्स, रोमिंग एट द बैंक ऑफ इंग्लिश रिवर ETC। ए पल्स इन इटर्नल माइंड वाक्यांश में लेखक की इंग्लैंड में एक खुश स्मृति का उल्लेख है, जैसे कि अपने दोस्तों के साथ सुहावना समय बिताना, दोस्तों के साथ हंसी मजाक करना, इंग्लैंड की नदी के किनारे घूमना फिरना आदि। डियर स्टूडेंट, तो ये रहा चैप्टर 6 द सोल्जर का क्वेश्चन आंसर। ये पोएट्री सेक्शन है, बिहार बोर्ड क्लास 12। सो माय डियर स्टूडेंट, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।